रहा है? किसी दावत में जाने की तैयारी है क्या? नहीं तो आखिर जा कहाँ रहे? कहीं नहीं, बस ऐसे ही तरह ऐसे ही जाने के लिए। तो ये बाल इतनी तवज्जो से क्यों बना जा रहे हैं? वो कुछ कुछ ख्याल नहीं रहा, वो ऐसे ही। आखिर आप इतना घबरा क्यों रहे? घबरा नहीं तो, घबराने की तो कोई बात नहीं थी। तो आप कहीं नहीं जा रहे? जा तो रहा हूँ, लेकिन वो उर्फी अगले माह अपनी नई कोठी में मुंतकिल हो रहा है, तो इसलिए वो किसी काम से जाना था वो कोठी के। उर्फी बेहद फजूल खर्च हो गए। तो होने दीजिए। क्यों होने दो? नहीं, मेरा मतलब था कि वाकई क्या कह रही थी आप, हाँ फजूल खर्च नहीं होना चाहिए। वो हमेशा इसी तरह रहेंगे अकेले, पता नहीं। बीवी के बगैर भी कोई जिंदगी है? क्या जिंदगी है? क्यों, आप खुश नहीं है क्या? मैं तो बहुत खुश हूँ, बेइंतहा खुश। यही तो मेरा मतलब है कि उर्फी कैसे खुश रह सकते हैं तन्हा। ये कुछ मेरा जिक्र हो रहा है भाई, जल्दी कीजिए ना शहीद भाई, यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हो। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे तो शहीद भाई ने आपको नहीं बताया कि हम लोग क्लब जा रहे हैं और फिर वहां से? मैंने बताया था ना आपको कि उर्फी के साथ। जी, ये आप दोनों मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। बाय द वे शहीद भाई, वो ब्रिज का प्रोग्राम भी तो है। नहीं, कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं, खामखा तुम खुद चले जाओ। आप भी कमाल करते हैं, मैं वाकेला खुद जाके क्या करूंगा? आपने दोस्तों को बुलाया है, आपने सब लोगों को इन्वाइट किया, मैं क्लब में। क्या हो गया है आपको खासी? लोगों को चौराहे पे कौन इनवाइट करता है, वो भी खवातीन को। खवातीन में है? क्यों, खवातीन में क्या खराबी है? ये तो तुमने बहुत बुरा किया ही है। मेरा ख्याल है कि जितना बुरा आप अपने हक में कर चुके हैं, उससे ज्यादा मैं क्या करूंगा। आइए आ जाइए। आप क्या नजारा फरमा रहे हैं? जाइए। वो ये मंसूर की किताबों में पढ़ा हुआ था। मंसूर बिल्कुल बिगड़ गया। जी जी। और इसमें सारा कसूर आपका है। जी जी जी, बजा फरमाया आपने। मैं ये कहने आई थी कि फजीलत आ रही है। कौन आ रही है? आप फजीलत को नहीं पहचानते? नहीं पहचानता हूँ, मेरा मतलब है, लेकिन वो पिछले साल तो आई थी, इस मर्तबा क्यों आ रही है? आपको फजीलत का आना बुरा लगा? नहीं नहीं, भला मुझे क्यों बुरा लगने लगा, वो आपकी दोस्त है, आप जाने वो जाने। फजीलत बहुत अच्छे मौके पर आ रही है। किस मौके पर आ रही है? फजीलत और उर्फी कैसे रहेंगे? क्या मतलब कैसे रहेंगे? जाहिर है बड़ी मुश्किल में रहेंगे। मैं चाहती हूँ फजीलत और उर्फी की शादी हो जाए। क्या हो जाए? इस बात को इस ज्यादा आसान अल्फाज में नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात को किसी भी अल्फाज में नहीं कहा जा सकता। आप यकीन कीजिए, ये नामुमकिन है। मेरे लिए कोई बात नामुमकिन नहीं, नहीं। वो तो बिल्कुल ठीक है आपका फरमाना, लेकिन मेरा मतलब था कि उर्फी के मामले में, यानी उर्फी जरा मुख्तलिफ किस्म के इंसान है। उर्फी किसी किस्म के इंसान क्यों ना हो, शादी उनको करना पड़ेगी, समझा? जी, मैं जरा पानी पी कर आता हूं। मैं जरूरी बात कर रही हूँ। जहाँ तो कीजिए ना, किसने मना किया है आपको? इस वक्त सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? सुबह सुबह वाला मैं कहाँ जाने लगा? आप मेरे साथ चलेंगी, बोर होंगी। उर्फी कभी तो संजीदगी इख्तियार कर लिया करो। आपा बेगम, मेरा ख्याल है कि मेरी उम्र कुछ इख्तियार करने की हद से आगे निकल चुकी है। ओह उर्फी भाई, मेरी दोस्त फजीलत आ रही है। मैम मेरा सलाम कहिए। फजी बहुत अच्छी लड़की है। लड़की क्या? यानी वो लड़की है? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा ख्याल था, बल्कि मुझे यकीन था कि वो आपकी फजीलत कुछ बेवा सी थी। मतलब एक भाई, ये उनकी बेवगी में कुछ शायबा सा क्यों है? अरे भाई, तुमने देखा नहीं उनको? वो बिल्कुल बेवा होना गुनाह है क्या? नहीं तो मेरा ख्याल है आप बेगम, मेरी वापसी तक अगर ये शादी के इंतजाम मुलतवी कर दिए जाए तो कैसा है? ओह क्यों, मैंने कहा था ना कि
क्या कहा था? यही कि मतलब ये उर्फी ये शादी हरगिज नहीं करेंगे, वो भी फजीलत के साथ। उर्फी तो क्या चीज है, अगर मुझे जिद आ जाए तो आपको करना पड़ेगी। ये मैं तो खैर कर लूंगा अगर आप कहेंगी, लेकिन उर्फी भाई उर्फी पैसे को पैसा समझते नहीं है। अब ये बताओ भला इतनी बड़ी कोठी लेने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, मगर पैसा इन्वेस्ट करने का बेहतरीन तरीका है। हाँ ये तो है, मगर अब नौकरों ही को ले लो, पूरी फौज की फौज रख ली है। तुम फिक्र न कर, नौकर निकाले जा सकते और आधी कोठी किराए पर भी दी जा सकती। अरे तुम उर्फी को बहुत पसंद करोगी और उन्हें भी बस तुम्हारी जैसी लड़की की जरूरत है। आओ उर्फी आओ, मेरी दोस्त से मिलो। माय गॉड सर, टीचर। आदाब अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है। फजीलत ये है उर्फी। गॉड मोहतरमा, मालूम होता है कि हम इससे पहले भी कभी मिल चुके हैं। कुछ याद पड़ता है आपको? इससे पहले भी तुम लोग मिल चुके हो क्या? यकीनन साहब, जरूर कहीं ना कहीं मिल चुके हैं, क्योंकि मैं इस किस्म का चेहरा कभी भूल सकता हूँ? ये मजीद सर, क्या हो गया है तुम्हें? कब तमीज आएगी? चलो चलिए सारी चीजें उठा के बेगम साहिबा को प्लेट में पेश करो। यस सर, चलो। माफ कीजिएगा खातून, आपको कहीं ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है? तो क्योंकि आपकी सांस काफी फूल रही है। ऊट पटांग बातें मत करो। अरे भाई ये फजीलत है जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था। अच्छा अच्छा, जिनके बारे में आपके और शहीद भाई के नजरियात में शदीद इख्तलाफ था। तशरीफ रखिए। हेलो, आपने अब नाश्ता किया? आपको मालूम है इस वक्त क्या बजा है? 11:05। मजीद सर, मुझे याद दिलाने के 12 बजे मुझे एक साहब से मिलना है। यस सर, एट 12। उर्फी साहब। ओहो आप हैं, और आप अब तक क्या समझ रहे थे? मुझे ख्याल हुआ था कि आजी हजबे आदत नसीहतें करेगी। आप मेरी आवाज नहीं पहचानते? कुछ ख्याल सा तो हुआ था कि इतनी भारी आवाज है, मतलब है कि गाजी की तो इस किस्म की आवाज नहीं है। बर आप नाश्ता कीजिए। मैं नाश्ता सुबह 6 बजे करती हूँ। अल्लाह अकबर, आप अपनी सेहत की तरफ से बिल्कुल गाफिल हैं, किसी और को भी परवाह नहीं। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कल से खुद मैं आपके नाश्ते और खाने का ख्याल रखूंगी। जी इस तरह तो आप अपनी सेहत खराब कर लेंगे। मदरमा, आपकी गुफ्तगू और आपके लहजे ने मुझे इस वक्त कहीं का कहीं पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? लम्बे भर के लिए मैं बहुत दूर चला गया था। आप यकीन करेंगे कि आपका लहजा और आपकी आवाज। जी यकीन क्यों नहीं करूंगी। मेरी मम्मी भी मुझे बिल्कुल सुबह नाश्ते पे इसी तरह से डांटा करती थी। आपने इतने अरसे के बाद उनकी याद दिला दी। माफ कीजिएगा, मैं कोई गलत बात कह दी। कोई बात नहीं, हर मर्द बच्चा होता है। जी तुम फजी से मिले? किससे? फजीलत से। आबा बेगम, उनसे मिलने के लिए कोई कोशिश तो नहीं करनी पड़ती, बल्कि ना मिलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती। मजाक मत करो। आपका क्या ख्याल है कि मेरा मजाक इतना बिगड़ गया है? वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। सख्त शर्मिंदा हूँ साहब, सख्त शर्मिंदा। दरअसल मैं तुमसे ये बताना चाह रही थी कि वो तैयार है। जी तो ये मेरे लिए कोई खबर तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो उनको हमेशा ही जरूर से ज्यादा तैयार देखा है। कुछ मेरे मुतालिक बात हो रही थी क्या? जी ये आपको गाजी बताएंगी, तो मैं जरा बाजार जा रहा हूँ। आप बाजार जा रहे हैं? मुझे भी जाना है।
हाँ चली जाओ। हाँ चली जाइए, बाजार का क्या है, वहां जाने के लिए कोई टिकट तो नहीं लेना पड़ता। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं भी आपके साथ चल, ले जाओ ना। आप मेरे साथ? अगर आपकी गाड़ी जा रही तो मैं टैक्सी में क्यों जाऊं? सब आपने कायल कर दिया। आइए तशरीफ ले जाइए। आप यहाँ बैठे? ओ हेलो हेलो हेलो, आइए आइए आइए, बड़ी खरीदारी कर डाली आपने। आपको शर्म आनी चाहिए। जी मैंने क्या किया है? आपको याद नहीं आपने क्या किया? नहीं तो? मुझे दुकान पर छोड़कर आप बहाने से यहाँ चले आए। मैं वहाँ खड़ी इंतजार करती रही, फिर घंटों सड़कों पर रिक्शा टैक्सी के पीछे मारी मारी फिरी। ओह माय गॉड, वेरी सॉरी। आपने मेरी तौहीन की है। आप यकीन करें कि ये सारा मेरी याददाश्त का कसूर है। इस सिग्नल लेने के बाद मुझे कुछ ख्याल ही नहीं आया और मैं घर चला आया। अगर आपकी जगह कोई और शख्स ये हरकत मेरे साथ करता तो मैं खुदा जाने क्या करती। जाहिर है। लेकिन आपको मैंने इसलिए माफ कर दिया कि मुझे पसंद नहीं कि शुरू ही से इख्तलाफात हो जाए। यकीनन मुझे खुशी है कि आपने मुझे सब माफ कर दिया, पर उम्मीद है कि आइंदा भी आप मुझे माफ करती रहेंगी। तुमको वो सब कुछ करना होगा जो मैं कहूंगी। यस मैडम, बट मैडम। बहस नहीं करोगे? ऑफ कोर्स, लेकिन वन रिक्वेस्ट प्लीज। क्या है? माय लाइफ डेंजर। क्या बकते हो? बिलीव मी, खुदा पाक की कसम वो मुझे कत्ल कर देंगे। उनका निशाना बहुत अच्छा है, वेरी गुड शॉट। मजीद, योर सर्वेंट मैडम। तुम कम बात नहीं कर सकते? यस यस, वेरी शॉर्ट टॉक। हाँ समझे तुम? अंडरस्टैंड। नंबर एक, उर्फी सुबह 6 बजे बेदार होंगे। सुबह 6 बजे? अर्ली इन मॉर्निंग? हाँ, और सुबह उठकर हवा खोरी को जाएंगे। कमरा एयर कंडीशन, ठंडी हवा आती। बकोमत, खामोशी सुनो। यस मैडम। नाश्ता सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे नाश्ता? मैडम मैं तो सिर्फ सर्वेंट हूँ, आधी रात जगाने पे मुझे बहुत मानेंगे। सुबह 7 बजे आधी रात होती है? वो तो ये कहते हैं। उनको कहने दो, अगर उन्हें अपनी सेहत का ख्याल नहीं तो मुझे तो करना होगा। यस मैडम। खाने में सब्जियां और खाने के बाद फ्रूट। सब्जियां? ओह माय गॉड। चाय बहुत कम दी जाएगी, समझे? चाय बहुत कम दी जाएगी? मुझसे बात करते वक्त होश में रहा करो। यस मैडम। रात का खाना 8 बजे। 8 बजे? नो मैडम। 8 बजे और 10 बजे सो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुमको समझूंगी।
सर मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूँ कि ये सब सही है। फिर सर उन्होंने ये अहकाम जारी कर दिए और कल से इन पर अमल होगा। तो सो सर आपको सुबह 6 बजे जागना होगा, आपको हवा खोने के लिए जाना होगा, आपको सब्जियां खानी होंगी और 10 बजे सो जाएंगे। What do now, sir? तुम फिकर मत करो सर, बट जाओ चाय लेके आओ। चाय सर? वो चाय सर। चलो भागो सर, मेरा ख्याल है माई लाइफ वेरी शॉर्ट। किसी जरूरी काम से तो नहीं जा रहे थे? जी हाँ जी हाँ, बहुत जरूरी काम था। जिंदगी के फैसलों से तो ज्यादा जरूरी नहीं होगा जी। बैठ जाइए, मुझे आपसे बात करना है। बहुत बेहतर है, फरमाइए। मैं बराए रास्त बात करना पसंद करती हूँ। दरअसल मैं बड़ी साफ को औरत हूँ, शर्माना वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद है। सुभान अल्लाह। मैंने सुना है आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या फरमाया आपने खातून? मैं क्या करना चाहता हूँ? जब से मैं बेवा हुई हूँ बहुत से लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं। मुझे हमदर्दी है। आप बताइए आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में इसकी खास वजह तो नहीं होनी चाहिए। बाज लोग बगैर वजह की शादी तो शादी इश्क तक कर लेते हैं, क्या आप उन लोगों में से हैं? दरअसल खातून मेरी अपने बारे में राय नहायती खैरबाजी और कुछ मुबहम सी है। मेरे बारे में आपकी क्या राय? जी आपके बारे में मेरा ख्याल है कि मैं मत बताइए, मुझे मालूम है जी। अच्छा छोड़िए, ये बताइए आपको किस किस्म की औरतें पसंद हैं? मुझे? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने सुना है आप बड़े आइडियलिस्ट हैं। ओह आई सी, बताइए ना, मैं आपकी नजरियात सुनना चाहती हूँ। अरे छोड़िए वो सब जवानी की बातें थी, उस उम्र में इंसान कैसी कैसी हिमाकतें करता है। आप क्या सोचते थे मैं ये जानना चाहती हूँ। तो मोहतरमा उस जमाने में मैं बड़ा हुस्न परस्त होता था, तो बड़ी नाजुक ख्याली थी, एहसास की लताफत थी। एक ऐसी लड़की के ख्वाब देखा करता था जिसे देखकर इबादत करने को जी जाने लगे, जो चले तो लहरें बनने लगी, आवाज में इतनी मौसीकी हो के जैसे नरम नरम पार पड़ रही हो, खाना इतना कम खाती हो कि लगे बस छू कर छोड़ दिया। सब बोले तो इतनी आहिस्तगी से जैसे झरना बहता है। ज्यादा बोलने वाली खवातीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जी। जी खैर छोड़िए सब फजूल बातें हैं, ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं। मोहतरमा आजकल की लड़कियां तो जब बोलती हैं तो लगता है कानों पे हथौड़े बरस रहे हैं, और जब हंसती हैं तो मालूम होता है जलजला आ गया। मैं चलती हूँ। ये तुमने बहुत बुरा किया, वो तुम्हारी बहन तुमसे सख्त नाराज है। अच्छा ये बताइए कि आप ये उनसे इतना डरते क्यों हैं? डरते नहीं तो। खैर इस मौजू पर तो मैं आपसे किसी और दिन बात करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर वो कस्में खाकर फजीलत को न रोक लेती तो वो तो चली गई थी उसी वक्त। दरअसल उन्हें पता चल गया है कि तुम उनका मजाक उड़ा रहे थे। कस्में खाने की बड़ी बुरी आदत है, तो वो रुक गई। अब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं,
कुछ नहीं, और फजीलत का क्या बनेगा? भाई तो आप क्या चाहते हैं, उनका क्या हो सकता है? भाई मैं ये चाहता हूँ कि मसला जल्दी खत्म हो जाए, वरना आप चाहते हैं मैं उनसे शादी कर लूँ? नहीं तो ठीक है, मैं कह दूंगा भाई ना, मैं चाहता हूँ शहीद भाई। यार तुम गड़बड़ कर दोगे भाई, तुम्हें जो कुछ करना खुद ही करो। एक बात सुनिए शहीद, ये जो फजीलत बेगम है ना, इनको आपने कभी करीब से देखा है? नहीं भाई, मैं खून खराबे से बहुत डरता हूँ खामखा। बात सुनिए, खुदा की कसम शहीद भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आपकी राय नहायत ही मुनासिब होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी मेरा नाम मत लेते ना, कहीं वो तुम्हारी बहन का मिजाज बरहम हो जाएगा। अरे इसीलिए तो मैं आपको शहीद भाई कहता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि जो फजीलत बेगम ना, इनको जरा करीब से देखिए, इनसे बातें कीजिए, और फिर मुझे अपनी राय से आगा कीजिए। इससे क्या होगा, खामखा मेरा वक्त जाया करवाओगे, मेरे नर्व्स वैसे ही कमजोर हैं। अरे शहीद भाई, आपने जिंदगी में आपा बेगम के अलावा भी किसी से बात की है? शादी के बाद? नहीं तो, बल्कि इसकी नौबत ही नहीं आई, वो तुम्हारी आपा बेगम सब कुछ कह सुन लेती है, काफी है बस। अरे बहरहाल आप मेरा एक काम कीजिए, खुदा की कसम मैं आपका बे इंतहा मशकूर होऊंगा, प्लीज। ये बहुत जरूरी है। अरे बेहद जरूरी है, यूं समझिए कि जिंदगी और मौत का सवाल है। अच्छा, उर्फी मुझे तुमसे इस किस्म की हिमाकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो आपको मुझसे किस किस्म की हिमाकत की उम्मीद थी? आखिर तुम चाहते क्या हो, खानदान का नाम मिट जाए, कोई इंतजाम लेवा ना रहे? इरादा तो आप कुछ ऐसे ही करेंगे आप बेगम की, ये जो एक थोड़ा बहुत नाम लेवा बचा है वो भी ना रहे। अरे अगर शादी नहीं करोगे तो तमाम जायदाद और दौलत किसके लिए छोड़ोगे? कुछ ना कुछ कर लूंगा, आप परेशान क्यों होती हैं? ओहो उर्फी, तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो कि फजीलत तुम्हारे लिए बेहतरीन बीवी साबित होगी? भाई यकीन कीजिए आप बेगम कि मैं अपनी इस कम समझी के लिए बेइंतहा शर्मिंदा हूँ। वैसे मुझे अपनी बदकिस्मती का इस कदर अंदाजा नहीं था। तुमने उससे बात की? फिर काफी देर तक मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करते रहे, आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी, खासकर शहीद भाई की। क्या मतलब? आपकी किस्मत पर रश कर रही थी, कह रही थी कि आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितनी खुश किस्मत वाकई हुई है, और शहीद भाई की सूरत में अल्लाह मियां ने आपको एक इनाम से नवाजा है। खैर खैर, इसके अलावा और क्या बातें हुई? और बस, तो शहीद भाई का जिक्र कर रही थी, कह रही थी कि बड़े अजीम इंसान है। उनका इस कदर जिक्र करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं, मेरा ख्याल है आपा बेगम वो शहीद भाई से कुछ बहुत ज्यादा ही मुतासर नजर आती हैं, तो बार बार उन्हीं के मौजू पर आ जाती हैं। तुम्हारे बारे में भी कुछ कहा? हाँ, कहने लगी कि काश आप भी उन जैसे होते, फिर खुद ही कहने लगी कि तो उन जैसा दूसरा इंसान होना तो नामुमकिन है। और कहने लगी कि साहब शहीद भाई से बात करके तो एक रूहानी खुशी हासिल होती है। सिवाय इस जिक्र के भी कोई और जिक्र हुआ? नहीं, तो देखिए ना, वो किसी और मौजू पे बात करने को तैयार ही नहीं होती है, तो अभी भी शहीद भाई को बातें करने के लिए बुलाया। ये क्या बेहूदगी है? आपा बेगम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूँ, मेरा मतलब है कि देखिए ना, मैंने भी तो दुनिया देखी है, मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि आखिर वो शहीद भाई में इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रही है। फजीलत का कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और उनको क्या हुआ है? मैं खुद जाकर देखती हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ, तो जो मैंने कहा वो समझे? जी जी हाँ, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल। तो आप वाकई बड़े समझदार आदमी हैं। नवाजिश है आपकी। झूठी तारीफ करनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप नाक शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। शौहरों को बिल्कुल आप जैसा होना चाहिए। जी, तुम्हारे ख्याल में शौहरों को कैसा होना चाहिए फजीलत? तुम्हारे शौहर जैसा। मेरा ख्याल है मेरे शौहर की शादी हो चुकी है। तुम वाकई बड़े खुशकिस्मत हो। फजीलत, मुझे तुमसे ये कहना था कि उर्फी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और ऐसे हालात में तुम्हारा यहाँ रहना बेमानी है। क्या क्या मतलब? उर्फी, मजीद से कहो गाड़ी निकाले। फजीलत, तुम्हारा सामान कहाँ है? मजीद सामान ला रहा है, मैंने बड़ी बीवी से पैकिंग के लिए कह दिया। तुम मुझे अपने घर से निकाल रही हो? मैं तुम्हारा वक्त नहीं जाया करना चाहती, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। उर्फी, तुम अपने भाई के पास यही ठहरो, इनसे तो मैं बाद में बात करूं। जी, ये नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा क्या कसूर है इसमें, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं सूटकेस ले आया हूं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। शट अप मैडम।
आप बताइए। मैं चाहता हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो ये कर रहा हूँ।